हाय फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फिल्मी के छी मैं रूना आशीष और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो इंडियन आइडल है वो सैटरडे uh, संडे आता है इसमें कोई नई बात नहीं लेकिन वो मंडे भी आ गया अभी मंडे को क्यों आ गया है ये पूरी बात अगले कुछ मिनटों में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्रेंड्स जब से इंडियन आइडल शुरू हुआ है इट हैज़ ऑलवेज बीन अ वीकेंड शो ये है और इसका जब भी टाइमिंग है सुपर डांसर को जगह देने के लिए इंडियन आइडल ने अपना भी टाइमिंग शिफ्ट किया था बारवा सीज़न चल रहा है और हर बार ये तरह तरह के बच्चों को तरह तरह के सिंगर्स को लेकर आता है और इस बार वर्ल्ड म्यूज़िक डे है इस वजह से क्योंकि वो 21 जून को और मंडे को पड़ता है इसलिए ये एक्सटेंडेड फॉर्मेशन uh, में uh, लाया गया है इंडियन आइडल को जिसमें कि सारे ही सिलेक्टेड सात लोग जो है उन्होंने जनता से पूछा था और किसी एक का गाना पसंद किया था और उसको चुनकर वो वाला गाना गाया था किसने कौन सा गाना गाया वो मैं बताती हूँ दानिश ने माई तेरी चुनर ये पहले भी गा चुके हैं और इसलिए इसकी बहुत बार डिमांड भी हुई है वो गाया पवनदीप ने कलंक गाया और कलंक के इस गाने के लिए मैं सिंपल इतना बोल सकती हूँ कि जिसने कभी ऐसा हुआ हो कि उसने अरिजीत को नहीं सुना हो तो वो बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये गाना पवन ने खुद की आवाज़ में नहीं गाया होगा इनकेस कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने नहीं सुना हो कि ये अरिजीत का है ओह सच में पवन की आवाज़ में ये गाना बहुत खूबसूरत लगता है आपकी अरुणिता जो है जाने क्या बात है ये वाला गाना गाया और मिश्री में डुबा डुबा कर गाया <laughs> मुझे जो बहुत ज़्यादा सरप्राइज जिन लोगों ने किया उसमें से एक आशीष भी है जिन्होंने यशुदास का गाना सुरमई में अखियों में ये वाला गाना गाया था और मुझे सीरियसली ऐसा लगा कि इतनी मखमली आवाज़ कैसे हो सकती है किसी की आई मीन दिस वॉज अ डिफरेंट साइड ऑफ आशीष जो बहुत लेसर एक्सप्लोर सा मुझे लगा आई विश येश के और कुछ गाने उनको दे दूँ और उनसे सुनते बैठूँ बहुत अच्छा गाया आपकी इस चन्मक प्रिया जो है मैडम ने डार्लिंग आंखों से ये वाला uh, गाना गाया उनकी आवाज़ जो यूटलिंग वाली है एकदम वेस्टर्न या फिर वो एक जो कॉम्बिनेशन लेकर आती हैं फ्यूजन टाइप्स का परफेक्ट गाना दिया गया उन्हें और उन्होंने चुना और ये गाया अब मैं निहाल की बात करती हूँ निहाल ने भी मुझे थोड़ा सा चौंका दिया वो इसलिए क्योंकि बातें ये कभी ना ये वाला सॉन्ग उन्होंने गाया और निहाल की आवाज़ में एक बहुत ठहराव है शांति से गाते हैं इमोशन नहीं छोड़ते हैं वो मज़ा आया एंड साइली दिल भरू गाना गाया हाल ही में सुन भी चुके उनकी आवाज़ में इनफैक्ट इस पर तो दा, दानिश खुद बोल दिया कि वैसे तो हर गाना अच्छा गाती है लेकिन ये वाला गाना थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा गाती है सो so, ओवरऑल ये जो जैमिंग सेशन था ये बहुत ही अच्छा था वर्ल्ड म्यूज़िक डे के लिए इन सारे सतरंगी सात लोगों ने सात रंग के सपने या इंद्रधनुष के सात रंग इन सब ने मिलकर गाना गाया जैमिंग सेशन बहुत अच्छा था और इसी दिन यानी कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे के दिन अनाउंसमेंट भी हुआ कि मूड्स एंड मेलोडीज़ जो कि एच यानी हिमेश रेशमिया जी आपके एच का Uh, नया एल्बम आ रहा है उसमें पवनदीप और अरुणिता uh, की आवाज़ में जो पहला डुएट uh, प्रोफेशनली वो लोग रिलीज़ कर रहे हैं रोमांटिक सॉन्ग तेरे बगैर ये रिलीज़ करने वाले हैं तेईस तारीख को आपके सामने आने वाला है तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे के दिन सिर्फ साढ़े आठ या आठ मिनट का uh, एक जैमिंग सेशन देख के ना पेट मेरा भरा नहीं मुझे ऐसा लगा कि इस बार वर्ल्ड म्यूज़िक डे चुकी है इसलिए संडे के बाद मंडे को यानी कि सैटरडे संडे मंडे तीन दिन का एक्सटेंशन मिलना चाहिए था इस शो के लिए वर्ल्ड म्यूजिक देख रहे इतना दिन तो डिमांड किया ही जा सकता है आपको क्या लगता है ज़रा लिख बताइए जय हिंद